नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना सत्ताधारी कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी जिन्हें बरकरार रखना और तीसरी सीट पर भी जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस के कई शतरंज मैदान में डटे हुए हैं। इन सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के नाते अजय माकन की प्रतिष्ठा का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी डॉक्टर सीपी जोशी की प्रतिष्ठा भी मेवाड़ क्षेत्र की 2 सीटों से जुड़ी हुई है। सहाड़ा और राजसमंद दोनों जगह पर गुज्जर समाज के वोट अपनी ताकत रखते हैं, लिहाजा सचिन पायलट फैक्टर यहां अहम भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस इन सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इसके लिए पार्टी ने पूरी फौज चुनावी मैदान में उतार दी है, लेकिन कांग्रेस को यदि जीत हासिल होती है तो मुख्य भूमिका में कमान संभाल रहे इन नेताओं के सिर पर जीत का सहरा बंधेगा और यदि हार होती है तो ठीकरा भी इनके ही माथे पर फूटेगा। सहाड़ा विधानसभा सीट, इस सीट पर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर, प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौड़, हरिमोहन शर्मा और राम सिंह कस्बा की प्रतिष्ठा भी दांव पर। भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके खेल मंत्री अशोक चांदना की भी साख का सवाल, विधायक रामलाल जाट और AICC सचिव धीरज गुज्जर की भी प्रतिष्ठा दांव पर। राजसमंद विधानसभा सीट, इस सीट पर चुनाव की कमान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के हाथ में, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर, संगठन प्रभारी के नाते पुष्पेंद्र भारद्वाज, आशीष परेवा और मुकेश वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर। सुजानगढ़ विधानसभा सीट, इन सीट पर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा दांव पर, प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है इस सीट से, संगठन प्रभारी के तौर पर मंगल राम गोदारा, डूंगर राम गेदर और नौरंग वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्ण पुनिया की साख का सवाल, रफीक मंडेरिया, पूजा राम कुदारा, भंवरलाल पुजारी और रेहाना रियाज जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।